टाइप्स ऑफ रिएजेंट, टाइप्स ऑफ रिएजेंट। देखो तीन तरह से हम क्लासिफाइड कर रहे हैं। पहला न्यूक्लियोफाइल, क्या डेफिनेशन बनेगी न्यूक्लियोफाइल की? रिएजेंट विच हैविंग पॉजिटिव, विच हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड अटैक ऑन पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब न्यूक्लियोफाइल। तो यहां हमारे पास सिंपल सा है, रिएजेंट विच हैविंग विच हैविंग नेगेटिव चार्ज, या फिर आपको लोन पेयर, एंड अटैक ऑन पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। ये हो गया हमारे लिए न्यूक्लियोफाइल। यानी न्यूक्लियोफाइल की पहचान आप आसानी से कर सकते हो। भाई न्यूक्लियोफाइल वो है हमारे पास जो अपने आप में नेगेटिव चार्ज रखते हैं या फिर उनके पास लोन पेयर है। एग्जाम्पल क्या होगा आपके पास? क्या OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है? हाँ, इसके पास नेगेटिव चार्ज है। क्या H2O आपके पास लोन पेयर रखता है? हाँ। अमोनिया रखता है? हाँ। ये सारे हमारे लिए न्यूक्लियोफाइल है। CH3COO माइनस रखता है? हाँ। RO माइनस रखता है? यस। OH हमने कर ही लिया, तो ये सारे हमारे लिए क्या है? न्यूक्लियोफाइल। R माइनस इंडिविजुअली भी अपने आप में न्यूक्लियोफाइल है। NH2 माइनस भी न्यूक्लियोफाइल है। तो ये हमारे पास बहुत ज्यादा अच्छे पॉइंट्स हैं जो बता रहे हैं कि ये सब न्यूक्लियोफाइल है। तो एक तरह से ये हमारा साथ देंगे न्यूक्लियोफाइल बताने में। अब न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या डिफरेंस है, ये हमारे पास हो सकता है पॉइंट्स कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। तो यहां हमारे को देखना होता है कि न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या डिफरेंस है। तो हेडिंग रहेगा हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, और दूसरा रहेगा, दूसरी तरफ रहेगा हमारे लिए बेस, न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। न्यूक्लियोफाइल सीधा सीधा सा है कि अगर आपके पास बात करें लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीशीज, अटैक ऑन पॉजिटिव चार्ज एक्सेप्ट एच प्लस, देन इट कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। तो हम उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। और दूसरी तरफ अगर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, चार्ज कंटेनिंग स्पीशीज अटैक ऑन एच प्लस, डायरेक्टली एच प्लस, देन इट कॉल्ड बेस। तो हम उसको क्या बोलेंगे? बेस। इज दैट क्लियर? तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? ये बेस। तो एक कोई भी हमारे लिए है न्यूक्लियोफाइल, हमने यहाँ पर ले लिया। न्यूक्लियोफाइल को हम NU से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसने आपके पास इस प्लस के ऊपर अटैक किया है, तो आपके पास क्या रहेगा? ये न्यूक्लियोफाइल अटैक हो गया। बोलो यस और नो। तो यहाँ किस पर अटैक किया उसने? कार्बोकेटायन पे, तो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। लेकिन यही चीज अगर बेस, कब कहलाएगी? बेस के पास भी वही लोन पेयर होता है जैसे न्यूक्लियोफाइल के पास होता है, लेकिन अब वो किसके ऊपर अटैक कर रही है? एच प्लस के साथ। तो आपके पास इस जगह यहाँ पर माइनस चार्ज है और
अब क्या बन रहा है आपके पास, एच बी, एच बी। तो बस अंतर यह है कि यहां न्यूक्लियोफाइल कैटायन पे कर रहा है, यहां पर भी नेगेटिव चार्ज है न्यूक्लियोफाइल पे, और वो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव पे अटैक कर रहा है, लेकिन वो पॉजिटिव एच प्लस नहीं है, वो कार्बन है। तो यहां हम इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। लेकिन यहां हमारे लिए वही नेगेटिव चार्ज एच प्लस पे कर रहा है, सेम स्पीशीज हमारे को क्या कहलाएगी, बेस। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, एक बार और मैं देखता हूँ, ओ एच माइनस अगर इसके ऊपर अटैक कर रहा है, किसके ऊपर, इस जगह, तो हम ये अल्कोहल मिलेगा, और इस जगह हम ओ एच को क्या बोलेंगे, ओ एच माइनस को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। और हमारे पास यही ओ एच माइनस एच प्लस पे अटैक करके हमारे पास एच टू बना रहा है इस जगह, तो हम इस एच प्लस ओ एच माइनस को क्या बोलेंगे, बेस। तो इसका मतलब जब तक हम रिएक्शन नहीं देखेंगे तब तक हम बेस और न्यूक्लियोफाइल नहीं बता सकते, आ रही है बात समझ में। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल हुआ बहुत अच्छे से बताने का कि क्या अंतर है। तो आपके दिमाग में एक चीज आ रही है कि काम एक ही पड़ रहा है, दोनों प्लस पे ही अटैक करेंगे, तो हमें दो टर्म की जरूरत क्यों पड़ रही है। ये हमारा आर्टिकल अगला पॉइंट है, व्हाई वी नीड ऑफ टू डिफरेंट टर्म्स। तो पहले तो आप इनमें लिखे अच्छे से, अभी बात करते हैं आपसे, मुझे यही डिस्कस करना चाह रहा था कि व्हाई वी नीड टू डिफरेंट टर्म्स, न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। ये हमारे लिए बहुत जरूरी था कि न्यूक्लियोफाइल और बेस को हम कैसे देखते हैं। देखिए न्यूक्लियोफाइल, अभी हल मैंने आपको बताया था, न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करता है, कार्बोकैटायन पर, और बेस किस पे अटैक करता है, एच प्लस पे। तो यहाँ पर दोनों में अंतर है, एच प्लस में स्टेरिक हिंड्रेंस काउंट नहीं होता क्योंकि एच प्लस बहुत छोटा है, जबकि एक कार्बन प्लस में स्टेरिक हिंड्रेंस काम आता है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए दोनों पॉइंट्स है कि आप जिस पे अटैक करना चाह रहे हो उसमें आपको आसपास के जो उसकी अटैच बॉन्ड से वो कहीं अलग आपको रिपेल तो नहीं कर रही, इसलिए हमारे लिए अंतर हो जाता है। तो उसी से हमने दो नई टर्म्स जनरेट कर रही है, एक है न्यूक्लियोफिलिसिटी, क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी, और एक हमने लिया है टर्म बेसिसिटी, बेसिसिटी। अंतर क्या है देखो, पहले तो इन दोनों में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंस क्या रहेगा न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफाइल तो रिएजेंट को बोलते हैं, कितनी आसानी से वो अटैच करता है, जितनी कितनी आसानी से वो कैटायन के साथ अटैक होता है या अटैच होता है, उस पॉइंट्स को हम न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलते हैं। जैसे यहां हमारे पास आएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब, पहले न्यूक्लियोफाइल तो आप समझ ही चुके हो, तो हमारे पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल है और सामने हमारे पास कौन है, कैटायन। तो हमारे पास यहां माइनस चार्ज है न्यूक्लियोफाइल पे और ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया, सही है। तो मुझे यहां पर यही समझाना है आपको कि दोनों में क्या डिफरेंस है, कितनी न्यूक्लियोफिलिसिटी और हमारे लिए बेसिसिटी में डिफरेंस ऐसे ही करना पड़ेगा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी की डेफिनेशन हमारे पास लिखेंगे, इट शो द नेचर ऑफ स्पीड, नेचर ऑफ स्पीड और रिएक्टिविटी, स्पीड ऑफ रिएक्टिविटी बल्कि, ऑफ रिएजेंट विद कैटायन, विद कैटायन, यानी इट शो द नेचर ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ रिएजेंट विद कैटायन। तो कितनी आसानी से हमारे पास अटैच हो रहा है, कितना आसानी से अपना लोन पेयर दे रहा है, ऑब्वियसली लोन पेयर दे रहा है, तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी प्रोपोर्शनल क्या होगा हमारे पास, टेंडेंसी,
टू डॉनेट लोन पेयर टू कैटायन, जनरली ये कार्बो कैटायन होता है, कार्बो कैटायन। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बेस, तो बेस की डेफिनेशन ही आपने पहले पढ़ा है कि हम बेस को बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके पास भी नेगेटिव चार्ज है लेकिन वो दे रहा है किसको, एच प्लस को, तो एक तरह से हमारे पास क्या बन रहा है, एच बी। तो बेसिसिटी क्या हो जाएगा, बेसिसिटी इज द इट शो द बिल्कुल वो का वही रहेगा, नेचर ऑफ स्पीड और रिएक्टिविटी और लगेगा, स्पीड और ही लगेगा यहां पर, स्पीड और रिएक्टिविटी ऑफ रिएजेंट विद एच प्लस आयन। तो यहां हमारे लिए बेसिसिटी क्या हो जाएगा, बेसिसिटी प्रोपोर्शनल टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर टू एच प्लस आयन, किसको दे रहा है ये, एच प्लस आयन को। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, बेसिसिटी, कंफर्म है, क्लियर है, तो ये हमारे लिए बेसिसिटी हो गया। तो कुल मिला के अगर हम बी माइनस अगर एच प्लस को दे रहा है तो बेस है और इस जगह यहां है, तो यहां एक और डिफरेंस है हमारे पास कि न्यूक्लियोफिलिसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी, एक और चीज में, यहां स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस उतनी ही न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती जाएगी, कम। यानी आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी के अंदर एसिडिक स्टेरिक हिंड्रेंस भी देखना पड़ता है ऑफ दिस एल्काइल ग्रुप, ये जो एल्काइल ग्रुप है इनके, समझ में आ रहा है, जबकि यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता, नो इफेक्ट ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। एक और चीज है यहां पर हमारे पास, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट, ये डिपेंड्स भी करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट के नेचर पे भी डिपेंड करता है, समझ में आ रहा है, जबकि यहां ऐसा कुछ खास नहीं है, नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नॉट डिपेंड्स on nature of solvent, यानी solvent change होने के साथ order भी change हो जाता है, किसका, nucleophilicity का, जबकि यहां ऐसा कुछ खास नहीं है। तो लिखे इस point को भी, बात करते हैं हम nucleophilicity को और ज्यादा depth में ले जाने के लिए कि order क्या और होगा nucleophilicity का और basic strength का। तो मैं आपको कुछ example के साथ ही लूंगा कि हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियो फिलिसिटी ऑर्डर, ऑर्डर, और दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं बेसिक, बेसिसिटी ऑर्डर, अलग से टेबल बनेगी हमारी, एक हो गया न्यूक्लियो फिलिसिटी ऑर्डर और एक हो गया बेसिसिटी ऑर्डर। तो हम न्यूक्लियो फिलिसिटी ऑर्डर को कैसे देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए और बेसिसिटी के लिए भी। तो इन द ग्रुप के अंदर हमारे पास कौन आ सकते हैं, हम मान सकते हैं एफ माइनस, सी एल माइनस, बी आर माइनस और आई माइनस, बोलो यस और नो, पक्का। तो आप मुझे बताइए कौन आसानी से देगा, इस पॉइंट पे आता है। तो यहां दो बातें आती है, पहली बात क्या आ रहा है हमारे पास, ध्यान से सुनना, न्यूक्लियोफिलिसिटी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन द ग्रुप जो मैं समझा रहा हूं, ये समझ में नहीं आता बच्चों को। तो यहां हमारे पास इन एक्वस मीडियम, फर्स्ट केस ए, इन एक्वस मीडियम,
एक्वस मीडियम। अगर आप देखेंगे एक्वस मीडियम के अंदर तो सबसे ज्यादा हाइड्रोलिसिस किसका होगा? एक्वस मीडियम का मतलब पोलर प्रोटिक ही हो गया एक तरह से, पोलर प्रोटिक। ये टर्म क्या होती है हम अलग से एक बार और देख लेंगे, लेकिन अभी तो आप इस पे मान लीजिए एक्वस मीडियम है। तो ये एक्वस मीडियम के अंदर आप कैसे देखेंगे हाइड्रोलिसिस किसका सबसे ज्यादा होगा? एफ माइनस का। यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि एफ माइनस को सबने घेर रखा है। किसने? बहुत सारे H2O ने घेर रखा है। ये हाइड्रोजन वाला पार्ट है और ये ऑक्सीजन वाला पार्ट है। तो ये पूरी तरह से घिरा हुआ है। तो हाइड्रोलिसिस वाला प्रोसेस एफ माइनस के लिए सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है। अब ये चाहता है कि इसके ऊपर अटैक करे, किसके ऊपर करे? एफ माइनस के ऊपर करे। समझ रहे हैं? तो क्या ये इतना आसानी से होगा क्या एफ माइनस पे अटैक करना? बताओ कि क्या इतना आसानी से करेगा क्या? नहीं। तो यहां पर ये जो है नॉट इजी अप्रोच, क्या बोल सकते हो? नॉट इजी अप्रोच, नॉट इजी अप्रोच। सो एफ माइनस इज वीक न्यूक्लियोफाइल इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम। तो ये एफ माइनस हमारे लिए क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। दूसरी तरफ हम बात करेंगे सीएल माइनस का, उसका इतना हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, आई माइनस का सबसे कम होगा। तो एक्चुअल ऑर्डर क्या होगा? यानी अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, इन एक्वस मीडियम, तो वो क्या हो जाएगा? सबसे एफ माइनस की सबसे कम, सी एल बी आर आई माइनस की सबसे ज्यादा। समझ में आ रहा है? अब बात आ रहे हैं सेकेंड पॉइंट पे, और वो है हमारे पास बेसिसिटी। और बेसिसिटी के लिए अगर हम फर्स्ट पॉइंट लिखे इन द ग्रुप, इन द ग्रुप, आप मुझे बताइए ग्रुप में आप देख रहे हैं एफ माइनस, सी एल माइनस, बी आर माइनस, आई माइनस, ये आपके पास ग्रुप के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मीडियम कोई सा भी हो, अगर हमने एक्वस मीडियम ले लिया, एक्वस मीडियम ले लिया जिसको हम पोलर प्रोटिक मीडियम भी बोलते हैं, तो क्या होगा? यहां पर एफ माइनस है और यहां पर इसको भी एच ने घेर रखा है, एच ओ एच ओ एच एच। अब आप मेरे को बताइए क्या हो रहा है इससे? क्या ये तो कोई आसानी से दे देगा? जिसने घेर रखा है उसी उसी को तो देना है अपन को। यहां जिसने घेर रखा है उसको नहीं देना, किसी और को देना है। तो ये अंतर है आपके। तो यहां पर तो बहुत इजी अप्रोच है, इजीली इजी अप्रोच। जिसने घेर रखा है उसी को देना है। तो एफ माइनस क्या रिजल्ट निकलेगा? रिजल्ट आपके ये रहेगा यहां पर, सो एफ माइनस इज स्ट्रॉन्ग बेस इन एक्वस मीडियम। इन एक्वस मीडियम क्या जो भी आपके पास मीडियम दिया जाएगा वही हमारे। तो जिसने घेर रखा है उसको देना है और आसानी से देना है। तो यहां आपके पास देने के कारण इजीली क्यों दे रहा है? क्योंकि एक बार तो उसके पास आसानी से लोन पेयर दे सकता है। उसके ऊपर रीजन क्या होता है कि एफ माइनस की साइज छोटी होती है, चार डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो यहां आपके पास एफ माइनस की बेसिसिटी सीधी सीधी चार डेंसिटी पे डिपेंड करती है। समझ में आ रहा है? तो यहां जो बेसिसिटी है वो सिर्फ किसके प्रोपोर्शनल होती है? चार्ज डेंसिटी के। और चार डेंसिटी किसके ऊपर ज्यादा है? एफ माइनस में। तो डाउन द ग्रुप जाने पर आपके पास यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम होगी। तो एफ माइनस, सी एल माइनस, बी आर माइनस, आई माइनस, ये है आपके पास बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। आई माइनस की चार डेंसिटी बहुत कम है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी? कम। बेसिसिटी से मतलब बेसिक स्ट्रेंथ आप ले सकते हैं।
ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इन एक्वस मीडियम, ये चीज क्लियर है। हाँ अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट, ये तो हो गया ए, जो पूरा का पूरा आप कर सकते हो। अब आ रहा है बात बी की, इन नॉन एक्वस मीडियम यानी कि हम बोल सकते हैं नॉन पॉलर या अप्रोटिक, इन अप्रोटिक अप्रोटिक नॉन पोलर सॉल्वेंट, फिर उसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगा, और हाइड्रोलिसिस नहीं होगा यानी कुल मिला के नो हाइड्रोलिसिस, नो हाइड्रोलिसिस, कोई हाइड्रोलिसिस नहीं है, तो ऑर्डर क्या रहेगा? वही रहेगा जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। तो फिर उस कंडीशन में एफ माइनस सबसे ज्यादा, सी एल माइनस, फिर बी आर माइनस, फिर आई माइनस। समझ में आई बात? ये आपका रहेगा इस जगह। एक और एग्जाम्पल के साथ हम दोनों में डिफरेंस देखते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में, और वो है हमारे लिए स्टेरिक राउंड हिंड्रेंस यानी न्यू, और वो हमारे को लिखना है स्टेरिक इफेक्ट्स। तो हेडिंग डाल लीजिएगा स्टेरिक इफेक्ट। ये स्टेरिक इफेक्ट किस तरह से वर्क करता है ध्यान से देखिएगा। यहां आपके पास सी है, सी एस थ्री है, सी एस थ्री है, सी एस थ्री है, और ये ओ माइनस है, और यहाँ पर सी एच थ्री है, सी और सी एच टू है, और ओ माइनस। ये क्या है आपके पास? इथॉक्साइड आयन, ये टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्साइड आयन, ठीक है? तो बताइए यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होगा, तो किसी भी कार्बोकेट आयन को देने के लिए यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत वर्क हो रहा होगा इन दोनों ग्रुप का, बल्कि ग्रुप का। तो यहां अगर हम बात करेंगे ए और बी की, जब यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा? बहुत कम। तो हाई स्टेरिक हिंड्रेंस, लिखें मेरे साथ हाई स्टेरिक हिंड्रेंस। तो हमें किसको देना है? बहुत बड़े बल्की ग्रुप को देना है, हो सकता है ये भी बहुत बड़ा बल्की हो, ठीक है ना? तो यहां आपको जब बल्की ग्रुप दिखेगा, इसको ऐसे बनाए, तो इसकी अप्रोच क्या हो जाएगी? बहुत कम, वेरी लेस अप्रोच। तो हाई स्टेरिक हिंड्रेंस, सो लेस लेस न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर क्या रहेगा आपके पास? ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, जल्दी बताइए, ए की बी से क्या होगी, कम या ज्यादा? कम। और दूसरी तरफ बेसिक स्ट्रेंथ, आप खुद बताइए कि यहां पर जितने ज्यादा सी एस सी ग्रुप आएंगे प्लस आई इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा या नहीं होगा? होगा। और देना किसको? इसको एच प्लस को। तो स्टेरिक वर्क करेगा क्या? नहीं, एच प्लस खुद अपने आप में इतना छोटा है कि स्टेरिक हिंड्रेंस वर्क नहीं करता, बस यही एक अंतर है जो दोनों में है। तो यहां पर ए और बी अगर हम बात करें, तो यहां हमारे पास कोई स्टेरिक हिंड्रेंस है ही नहीं, तो ऑर्डर क्या रहेगा? ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, वो ए और बी में किसकी ज्यादा होगी? बी हमारे पास बनाया नहीं हमने, सी एच थ्री, सी एच टू, ओ माइनस, ये बी है, और ए और बी में किसकी ज्यादा होगी? ए की, क्योंकि यहां पर प्लस आई इफेक्ट आपको क्या होगा? कम देखने को मिलेगा, कम देखने को मिल रहा है ना, तो यहां बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी? कम होगी। कुछ समझ में आई बात? तो आपके दिमाग में कहीं ऐसा तो नहीं बन गया है कि जहां न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है वहां बेसिसिटी भी ज्यादा होती है, या उल्टा चलता है? ऐसा नहीं है, इसमें हमने अलग पढ़ रहे हैं, ये एक अलग टॉपिक है, दिमाग में चलना। दोनों सेम ऑर्डर के भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, ठीक है? यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों सेम भी हो सकते हैं। ये हमारे लिए बी था और ये हमारे लिए क्या था? ए। तो बात को समझो, क्या यहाँ पर स्टेरिक वर्क करता है क्या? नहीं करता, बस अंतर ये। क्या यहाँ हाइड्रोलिसिस वर्क करता है क्या? नहीं करता। क्या यहाँ स्टेरिक और हाइड्रोलिसिस वर्क करता है क्या? हाँ। तो यहाँ ये सारे फैक्टर वर्क करते हैं। अगर हम बात करें, हमने स्टेरिक हिंड्रेंस देखा, अगर हम बात करें ग्रुप के बेसिसिटी
पीरियड के अंदर, तो पीरियड के अंदर दोनों पे कोई दिक्कत नहीं आती, क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा हाइड्रोलिसिस दोनों में ही वर्क नहीं कर रहा और दोनों ही सेम ऑर्डर को फॉलो कर रहे होते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इन द पीरियड, इन द पीरियड, तो इन द पीरियड आप क्या बोल सकते हो? आप क्या बोलोगे यहां पर? इन द पीरियड सिंपल सा है, स्टेरिक हिंड्रेंस एंड मेन हाइड्रोलिसिस सेम सेम ऑर्डर, सेम मतलब अप्रोक्सीमेट सेम। तो यहां बोल सकते हो स्टेरिक हिंड्रेंस एंड हाइड्रोलिसिस अप्रोक्सीमेट सेम। एक ग्रुप में, एक पीरियड के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस और हाइड्रोलिसिस क्या होता है? लगभग लगभग बराबर। सो न्यूक्लियोफिलिसिटी प्रोपोर्शनल 1/ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लोन पेयर डोनर एटम। और यहां पर हम बात करेंगे बेसिसिटी, यहां पर भी बेसिसिटी यही पॉइंट पे डिपेंड करती है। बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लोन पेयर ऑफ डोनर एटम। डोनर एटम की लोन पेयर देने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी उतने ही उसका बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों ज्यादा होगा, ज्यादा आसानी से दे देगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो लोन पेयर आसानी से देगा। तो आप ही मेरे को बताइए, अगर एक पीरियड के अंदर बात करें, हम सिंपल सिंपल से बात करें, हमारे पास तीन चीजें हैं, NH3 है और हम एक और ले लेते हैं H2 है और एक और ले लेते हैं हम HF। इसके पास सबसे ज्यादा लोन पेयर है, लेकिन ज्यादा लोन पेयर होने से कोई मतलब नहीं है, कौन ज्यादा अच्छे आराम से देगा? NH3। तो NH3 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। और अगर हम एनायन की बात करेंगे तो सभी को फिर एनायन से ही कंपेयर करेंगे। जनरली एनायन की देने की टेंडेंसी तो हमेशा ज्यादा होती है, तो तीनों को या तो एनायन बना दो या तीनों को न्यूट्रल। लेकिन अगर एक एनायन और एक न्यूट्रल है तो एनायन हमेशा न्यूट्रल से ज्यादा आसानी से लोन पेयर देंगे। और यहाँ पर हम स्टेरिक हिंड्रेंस और ये चीजें नहीं देख रहे जनरल वे में, और यहाँ पर भी हमारा यही ऑर्डर रहेगा, NH3 H2 HF NH2- OH- और F-, लिख लीजिए आप, आपका काम चल जाएगा आराम से। अगला इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग एटम, भाई इसी टेबल को हम आगे और ले जाते हैं। क्या सराउंडिंग एटम का भी इफेक्ट पड़ता है? हाँ भाई, क्यों नहीं पड़ेगा? आज जो सेंटर एटम है, जो लोन पेयर डोनर एटम है, उसके ऊपर ये फैक्ट रहेगा कि सराउंडिंग एटम कितना उसको कह रहा है कि तू दे दे। तो यहां पर हमारे पास और होगा इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग एटम। तो देखिए ये बात तो है कि आपके पास डोनर एटम है, अगर उसका लोन पेयर रेजोनेंस में आ गया, रेजोनेंस के थ्रू किसी ने ले लिया यानी माइनस कर लिया इफेक्ट, तो उससे उसकी बेसिक, उसकी लोन पेयर देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो एक तरह से न्यूक्लियोफिलिसिटी प्रोपोर्शनल क्या होगा? प्लस आई प्लस एम प्लस एच, इसके तो प्रोपोर्शनल होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा? माइनस आई माइनस एम माइनस एच। ये माइनस एम का मतलब माइनस आर प्लस आर और माइनस आर, इस तरह से भी लिख सकते हो, कर सकते हो ना। तो ये भी आपके लिए काम है, और ये तो यहां पर भी काम आएगा क्योंकि देना तो यहां पर भी इसको लोन पे आ रही है। तो बेसिसिटी भी आपके लिए किसके प्रोपोर्शनल होगा? प्लस आई प्लस आर प्लस एच। और किसके इन्वर्सली होगा? माइनस आई माइनस आर माइनस एच। तो दोनों में सिमिलर ऑर्डर चलेगा। आज बात करते हैं हम OH और हाँ ठीक है, हम बात करते हैं OR माइनस और OH माइनस, OR माइनस और OH माइनस। आप मेरे को बताइए कि दोनों में डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन। दोनों में डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन। तो जब दोनों में डोनर एटम ऑक्सीजन है तो फिर हमारे पास सारा इफेक्ट क्या हो गया? आर का हो गया। और आर कौन सा इफेक्ट डाल रहा है यहाँ पर? प्लस आई। तो प्लस आई इफेक्ट डाल रहा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी?
ओआर की ज्यादा हो जाएगी, यानी कि अल्कोक्साइड, क्या बोल देंगे, अल्कोक्साइड बोलेंगे इसको, जैसे एथोक्स इथेनॉल है, इथेनॉक्साइड, मेथनॉक्साइड। हाँ बोलो बेटा। हाँ ये ओ आर माइनस है और ये क्या है, ओ एच, यानी सिंपल है, ओ एच माइनस। तो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, दिस किससे कंपेयर करा आपने, बाय प्लस इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ आर, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉर्मल आर होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत बल्कि आर हो गया तो भी फिर ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा, एक नॉर्मल केस के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो हमारे पास ये चीज हमारे पास आ रही है। यहां पर एक और हमारे पास ऑर्डर आ रहा है, यहां पर भी ये सेम ही रहेगा, यानी आर ओ माइनस और ओ एच माइनस में क्या होगा, आर ओ माइनस ज्यादा होगा क्योंकि सेम चीज, बाय प्लस आई इफेक्ट, ऑर्डर तो वही रहेगा, बोलो यस और नो। तो ये हमारे पास आ रहा है। एक और चीज, अगर ओ माइनस रेजोनेंस में है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस रेजोनेंस में, या इक्विवेलेंट रेजोनेंस दिख रहा है आपको, एक ले रहा हूं फिनोक्साइड आयन, यहां पर भी रेजोनेंस है लेकिन यहाँ इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे जा रहा है और यहाँ नेगेटिव चार्ज किस पे जा रहा है, बेंजीन रिंग में कार्बन पर। तो कौन ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस होगा, ये उससे मतलब नहीं है कि इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है या उसमें कम है, उससे नहीं है, पहले तो देखना पड़ता है इक्विवेलेंट रेजोनेंस, और वो उसमें ज्यादा है तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। बिल्कुल क्लियर है कॉन्सेप्ट, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। अब बात आ रहा है, क्लियर है, तो यहां पर सॉरी यहां जा रहा है तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी इसकी, कम, क्योंकि इसका तो लोन पेयर चला गया, गया या नहीं गया, उससे ज्यादा किसकी होगी फिर, ओ एच माइनस की, फिर उससे ज्यादा किसकी होगी, ओ आर माइनस की, जो कि हम कर ही चुके हैं। बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट या नहीं है, तो सबसे ज्यादा ओ आर माइनस की, फिर ओ एच माइनस की और दस। और यही यदि हम बात करें यहां पर इस जगह बेसिसिटी ऑर्डर, तो बेसिसिटी ऑर्डर में कोई ऐसा वर्क नहीं है, दोनों सेम ही रहेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, इसका नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में तो आसानी से लोन पेयर नहीं देगा, एच प्लस को भी नहीं देगा और किसी को भी नहीं दे रहा हो, तो पी एच ओ माइनस, उससे ज्यादा ओ एच माइनस और उससे ज्यादा आर ओ माइनस, क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो ये आपको यहां लिखना है इस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, सही है। तो जितना ज्यादा रेजोनेंस आपको देखने को मिलेगा उतना ही आपके पास इफेक्टिव रेजोनेंस देखने को मिलेगा, उतना ही यहां पर बेसिक सिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट, लिखें इसको। तो इसी को और आगे हम देख रहे हैं कि कंपेयर न्यूक्लियोफिलिसिटी, सी एच सी माइनस, माइनस है माइनस है माइनस है माइनस है, सारा चीज सेम है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कौन आसानी से देगा, ग्रुप है या पीरियड है, सेम पीरियड है, सेम पीरियड है, सी एच सी सबसे ज्यादा देगा। बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहां पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, लोन पेयर देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, और वैसे भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल है। दूसरा, ये सेम ग्रुप है या सेम पीरियड है, सेम पीरियड है, सेम पीरियड है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, तो सेम ऑर्डर रहेगा। और पीरियड के अंदर तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी वही रहती है, यानी क्या रहेगा, यही ज्यादा रहेगा। बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट, और यहां पर भी यही रहेगा पक्का। ग्रुप के अंदर ये चीज फ्लोरीन माइनस, क्योंकि इसका हाइड्रोलिसिस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हाइड्रोलिसिस ज्यादा होने की वजह से सबसे कम हो जाएगी, जबकि यहाँ हाइड्रोलिसिस का कोई रोल है ही नहीं, हाइड्रोलिसिस होगा उसी को देना है, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसी की होगी, एफ माइनस की। बात ये लगता है एक्वस मीडियम में, और बाय डिफॉल्ट हम एक्वस ही मानते हैं, ठीक है, बोलो हाँ या ना, तो भी एक्वस ही मानेंगे, अगर नहीं मालूम होगा तो भी एक्वस ही मानेंगे, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, तो हम यही लेंगे। और ओ एच माइनस, एस एच माइनस और एस सी एच माइनस, तो बताइए सेम ग्रुप है, सेम ग्रुप है, तो सेम ग्रुप में नीचे जाने पर आपके पास न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, ग्रुप है ना, बिल्कुल, तो निकले जाने पर बढ़ेगी क्योंकि हाइड्रोलिसिस आपका काम हो रहा है, और यहां पर ये रहेगा। बोलो क्लियर है, तो यहां आपको सारी चीजें लिखनी है, लिखें इसको जल्दी से।
तो अगर हम यहां बात करें सिंपल सी, अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी की अगर हम बात करें, तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। इस तरह से अगर हम दो तरह से हो सकता है, यहां पर ध्यान से सुनना, हम जनरली लेफ्ट टू राइट जाते हैं या और फिर उसके बाद क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं। यही काम हम इसके लिए भी लिख रहे हैं। देखिए यहां न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस, और यहां न्यूक्लियोफिलिसिटी हमारे लिए क्या हो रही है, इनक्रीजेस। जबकि यहां बेसिसिटी इस जगह क्या हो रही है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं डिक्रीजेस है, और बेसिसिटी क्या हो रही है, बेसिसिटी आपके पास क्या हो रही है, डिक्रीज। समझ में आ रही है? तो ये दोनों जगह डिक्रीज हो रही है, और ये यहां डिक्रीज हो रही है, और ये इनक्रीज हो रही है। बस इस चीज को ध्यान रखें आप, आपका काम बहुत आसानी से चल जाएगा हर तरह के क्वेश्चंस करने में। तो ये लिख लें आप,